लाइव हो गया यार, ये तो बड़ी आवाज़ कर रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, हो गया लाइव। अच्छा ठीक, पीछा दिख जाएगा। अरे कुछ दी पहला छोटा चलिए कुछ दिन पढ़ाए थे संसाधन क्या था, वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें उसको बोलते हैं संसाधन। उसमें कुछ और आगे बढ़े थे कि संसाधन कितने तरह के होते हैं, कौन व्यक्ति क्या बोले थे। जैसे बोले थे जिमरमैन, उसने बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह बात किसने, जिमरमैन, उसके बात बोले थे कि संसाधन का वर्गीकरण चार तरह से किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण थोड़ा सा बड़ा लिखिए, वर्गीकरण चार तरह से किया गया है। कमेंट बोलिएगा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, से किया गया है। पहला बताए थे कि एक उत्पत्ति के आधार पर, कमेंट में बोलिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, और चौथा बताए थे कि विकास के आधार पर। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे किताबी भाषा नहीं चलेंगे, जितना भी पढ़ेंगे हम लोग समझिए कि अपने तरफ से। उत्पत्ति के आधार पर बताए थे कि एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर बोले थे एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, उसके बाद बोले थे स्वामित्व के आधार पर चार तरह का। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, दूसरा का पहला, दूसरा बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। तीसरा बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहले इसका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पहले इसका एक ही करके देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तुम पहला बताते कौन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर उस दिन बताए थे दो, एक होता है जैव संसाधन
चलिए अपने भाषा में पढ़ते हैं, जैव संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन, संसाधन जिसमें, वैसे संसाधन जो सजीव के अंतर्गत आता हो, वैसे संसाधन जो सजीव के अंतर्गत आता हो, सजीव के अंतर्गत आता हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में वनस्पति, वनस्पति तथा जीव जंतु इत्यादि। चलिए एक बार फिर देखते हैं, पूछे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने तरह के? दो, एक जैव संसाधन, पहला जैव, और दूसरा था अजैव संसाधन। अजैव संसाधन इसमें जीव मतलब जिसमें जान प्राण हो, वैसे संसाधन जो सजीव के अंतर्गत आता है उसको जैव संसाधन कहते हैं, जैसे वनस्पति जीव जंतु इत्यादि। इसमें क्या है? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें, ऐसा संसाधन जो निर्जीव के अंतर्गत आता हो, निर्जीव के अंतर्गत आता हो, अंतर्गत आता हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में खनिज है, जैसे चट्टान है, और क्या होगा कोयला, पत्थर, ये कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन जिसमें जान प्राण ना हो। फिलिपानी भाई करते हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने तरह के? दो, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जो सजीव के अंतर्गत आता हो उसे जैव संसाधन मतलब जिसमें जान प्राण हो, जिसे वनस्पति जीव जंतु इत्यादि। उसके बाद अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव के अंतर्गत आता है उसे अजैव संसाधन, जैसे चट्टान, कोयला, पत्थर इत्यादि। अगला है उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन। संसाधन दो तरह के, दो तरह के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, ठीक, नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद पुनः या दोबारा उपयोग में लाया जा सके, जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए ठीक भाई करते हैं, पहला पढ़ाए थे, बताए थे कि दू ऊ, तो पहले उपयोगिता के आधार पर, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर, उसे बाद उसके बाद कौन है उपयोगिता के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के, एक जैव संसाधन एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जो सजीव के अंतर्गत आता हो उसको जैव संसाधन, जैसे वनस्पति जीव जंतु इत्यादि। उसके बाद अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव के अंतर्गत आता हो उसको बोलते हैं अजैव संसाधन, जैसे चट्टान होता है, खनिज इत्यादि। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? संसाधन
ठीक है। अब अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए फिर एक बार जाहिर करते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने तरह के? दो, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः या दोबारा उसका उपयोग में लाया जा सके उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीन मीन्स होता है नया, जो हमेशा हमेशा का रहे नया, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब एग्जाम्पल में सभी नहीं बताए हैं, एग्जाम्पल में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और एक होता है हवा, ये तीन तरह का संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। शॉर्ट कट में बोला जाए वैसा संसाधन जो मतलब बार बार जिसका उपयोग किया जाए उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको उपयोग में नहीं लाया जा सके उसको बोलते हैं और नवीकरणीय संसाधन। जैसे एग्जाम्पल में पेट्रोल डीजल कोयला ईटीसी इत्यादि, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो, एक जैव एक अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के, एक नवीकरणीय दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद चलते हैं विकास स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार तरह के होता है, आधार पर संसाधन चार तरह का। अब पीछे बताए थे, अब देखिए चार तरह का कौन कौन है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, याद करने का पूरा ग्रह नहीं, ये व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एकदम अभी जस्ट याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, एक व्यक्ति का अधिकार, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने तरह के? चार, एक व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब एग्जाम्पल में जैसे में क्या है, जैसे में किसान का जमीन और दूसरा है उसका घर, ये कौन सा संसाधन होता है? व्यक्तिगत संसाधन, मतलब किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार उसको व्यक्तिगत संसाधन। और इसमें क्या, उसके बदले में वह सरकार को कर दे रहा है। कर मतलब क्या? टैक्स, मतलब लगान दे रहा है, उसको बोलते हैं कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन। फिर चलते हैं, जिस व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर एक खास व्यक्ति का अधिकार हो वह बदले में
सरकार को लगान दे रहा हूँ उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। एग्जाम्पल में किसान का जमीन और घर। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर एक किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं, एक परिवार का अधिकार नहीं, बल्कि समाज का, समूह का और समुदाय का अधिकार हो, समुदाय का अधिकार हो, उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। एग्जाम्पल में कौन कौन? स्कूल है उसके बोलते हैं, जहां मवेशी चढ़ता है उसको बोलते हैं चारा, चरागाह, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, खेल का मैदान, खेल का मैदान इत्यादि लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक चलते हैं। अब सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक परिवार नहीं, एक घर नहीं, बल्कि किसी समाज, समूह, समुदाय का अधिकार होता है उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। एग्जाम्पल में स्कूल, चरागाह, मंदिर, मस्जिद, खेल का मैदान इत्यादि। चलिए अगला बढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश या एक देश या एक राष्ट्र या एक सरकार, सरकार का अधिकार हो, अधिकार हो, उसे छोटे छोटे बड़ा बड़ा चलिए वैसा, सुनिए एक बार, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश, एक राष्ट्र या एक सरकार का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन कहते हैं। पहले सुन लीजिए उसके बाद देखिए बोलिएगा, फिर चलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश, एक राष्ट्र, एक सरकार का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में सड़क, सड़क पर एक राष्ट्र का, एक देश का, एक सरकार का अधिकार होता है सड़क, सड़क। दूसरा है रेल, रेल पर किसका? सरकार का अधिकार इत्यादि, ठीक है। अब एग्जाम्पल में अब चलते हैं कौन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं, बल्कि कई देश मिलकर उस पर अधिकार करते हैं उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन, ठीक चलते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का, एक देश का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, बल्कि कई देशों का अधिकार हो, अधिकार हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में कौन है अब देखे तो, एक होता है जैसे दो देशों के बीच में जो सड़क होती है, सड़क, और कितने भी देशों के बीच में, दो देश, दो देश। एग्जाम्पल में जैसे कि ये वाला भारत, अपना प्यारा भारत, दिल का धड़कन देख रहा भारत, और यहां पर देखे तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहां पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, और यहां पर है अरब सागर, अरब सागर, मैप तो दिख रहा होगा, देखिए। अब ये जो है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीप तो शायद मालूम होगा, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? वैसा स्थल वो भूमि का भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप वाला ये वाला थोड़ा ऐसा क्या है,
आपका भाग थोड़ा सा चढ़ा, इसको बोलते हैं आधार रेखा, इसको बोलते हैं आधार रेखा। और समुद्री भाग यहां से 12 nm, इसको बोलते हैं नॉटिकल मील। अब एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर, इसको बोलते हैं एकांतरिक क्षेत्र, एकांतरित क्षेत्र। यहां से 12 नॉटिकल मील, और फिर यहां से लेकर 24 nm जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक। और कुछ अब यहां से लेकर 200 nm जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपमार्जक क्षेत्र, अपमार्जक क्षेत्र, जो आपके किताब ने दिया है। यहां तक जब हम जाएंगे तो ये 200 इस प्रायद्वीपीय भाग के, प्रायद्वीपीय भाग से 200 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भाग से 200 किलोमीटर दूर तक जाएंगे, तो समझिए कि वो आएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसे भारत वाला प्रायद्वीपीय भारत, यहां से ऐसे 200 किलोमीटर जाएंगे तो ये आएगा भारत के अंतर्गत। और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। नॉटिकल मील, इसको बोलते हैं nm, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, इसको किलोमीटर में बोल सकते हैं। चलिए 200 nm, या इस आधार क्षेत्र हुआ, इस आधार क्षेत्र से अगर 200 nm के बाद अगर हम जाते हैं इस साइड में अगर जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, और 200 के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रीय सीमा। अगर कोई दूसरे देश का नाम, दूसरे देश का मछुआरा अगर इनके बीच अगर कहीं आ गया तो उनको भारत सरकार को टेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई जहाज अगर यहाँ जिसे बता दें यहाँ पर 12 nm अगर इसके अंदर घुस गया तो भारत सरकार के जो वायुसेना नेवी है चाहे एयरफोर्स है क्या कर सकती है, उसको मार सकती है, क्योंकि यह भारत के एकदम अंतिम सीमा पड़ता है। अगर कोई देश का जहाज चाहे पनडुब्बी इसके अंदर घुसती है तो समझने के बाद भारत की नेवी चाहे एयरफोर्स क्या कर सकता है, मार के गिरा सकता है। अगर यही 24 nm के बीच अगर कोई जहाज जाता है तो उस पर ये भारत सरकार क्या कर सकता है, टैक्स लगा सकता है। और वही 200 nm चाहे 200 किलोमीटर इस साइड में अगर है तो यहाँ पर भारत सरकार टैक्स नहीं लगा सकता है, बल्कि सब देश मिलकर यहाँ पर मछली पकड़ सकता है, यहाँ पर मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो वैसा अब अंतरराष्ट्रीय किसको बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक खास देश का अधिकार नहीं बल्कि उस पर कई देशों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसे हम 200 nm के बाद वाली सीमा क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ओके। अब एक बार फिर रिवाइज करते हैं, ठीक। चलिए कैसे आएगा, शुरू से होते हैं संसाधन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए अब बताते संसाधन का वर्गीकरण चार तरह से, एक बताते उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक जैव संसाधन एक होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन होता है जो सजीव के अंतर्गत आता है, उसको बोलते हैं जैव संसाधन, जैसे वनस्पति जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव के अंतर्गत आता है, उसको बोलते हैं अजैव संसाधन, जैसे चट्टान पत्थर इत्यादि। उसके बाद बताए थे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह का, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद
पुनः दोबारा उपयोग में लाया जा सके उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हवा इत्यादि। और नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सके उसको बोलते हैं और नवीकरणीय संसाधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने तरह के? चार तरह के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलता है? वैसे संसाधन जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है और बदले में वो सरकार को कर, टैक्स या लगान देता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, जैसे किसान का जमीन, घर इत्यादि। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक खास परिवार, एक खास व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि समाज, समूह, समुदाय का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन, जैसे स्कूल, चरागाह, मंदिर, मस्जिद, खेल का मैदान इत्यादि। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक देश, एक राष्ट्र, एक सरकार का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जैसे सड़क, रेल इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं बल्कि कई देशों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे आगे बताए थे भारत वाला मैप, ये वाला 200 नॉटिकल मील के आगे जाएंगे उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर यहाँ पर पेट्रोल डीजल मिलेगा तो जो जैसे भारत के बगल में है तो भारत बुलाएगा कि अमेरिका वाले क्या करो, मेरे बगल में मिला है पेट्रोल डीजल, अमेरिका आएगा तो पेट्रोल डीजल निकालेगा, लेकिन उस पर भारत और जो निकाला है उस दोनों का देश का होगा अधिकार, दोनों देश का अधिकार होगा। चलिए ठीक है, बस इतना ही रख लेते हैं। चलिए अब कैसे लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद फिर कल क्लास हो सकता है फिर लेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, नहीं कल खत्म कर दिया जाएगा थोड़ा। हाँ कल है बता दें उसको भी हैं नहीं है बता सकते हैं, अगर किसी को डाउट है, दिक्कत है तो बाबू थोड़ा कमेंट, अगर किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है बाबू जी, हाँ सर इसमें मेरा डाउट है, तो फिर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा एक बार, नहीं मतलब जितना बार देखना चाहते उतना बार देख सकते हैं। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जे वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाए उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जा डाउट नहीं है, चलिए ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जब ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा सर्वों से, जब कराएंगे ऑब्जेक्टिव उसके बाद देखेंगे जो कौन कितने पानी में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम करते, और जिंदा है तो सुनील सर के नाक में दम कर दे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बंद हो गया।